असमकम स्टूडेंट्स, आज की पेपर प्रेजेंटेशन है, नाइन्थ क्लास का बायो का पेपर है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है उसका सब्जेक्टिव टाइप देखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग दें। उसके बाद इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है, पार्ट टू जो है एक्सटेंसिव क्वेश्चन का है। सबसे पहले पार्ट वन की हेडिंग दें, उसमें क्वेश्चन नंबर जब टू अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की हेडिंग दें, 605 मार्कर्स। उसके बाद जो सा पार्ट आपने मेंशन करना है उस पार्ट को मेंशन करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। अब जो है अगर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो आप उसे डेफिनेशन के टॉपिक की हेडिंग दें और उसके बाद उसकी एग्जांपल की हेडिंग दें। और डेफिनेशन जो है इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे दिखे जैसे मैंने दिखाई है। अगर डेफिनेशन जरा ज्यादा लेंथी है तो आप उसको सिंपल वे में लिखें, स्पेस ना दें और इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। और अगर शॉर्ट है तो आप इस तरह सेंटर में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इस तरह डिफरेंस वाला अगर क्वेश्चन हो तो आप लिखें डिफरेंस बिटवीन और दो के नाम लिखें और इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करें नंबरिंग के साथ। और जब आप जो है नेक्स्ट नंबरिंग जब भी स्टार्ट करें दोनों का डिफरेंस था वहीं से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो डिफरेंस खत्म हो गया था लेकिन इसका नेक्स्ट लाइन पे एंड हुआ है तो ये लाइन मैंने स्किप कर दी। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया डायग्राम वाला। डायग्राम को अगर लेबलिंग करनी है तो सिंपल पेन से डायग्राम ड्रॉ करें और इंक पेन से ही लेबलिंग कर लें और मार्कर से अंडरलाइन कर लें। इससे जरा नीट लुक आएगी। और इस तरह अगर कोई टॉपिक्स वाला यानी जिसमें आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो आप उसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या बुलेट से बना लें या एरो साइन से या नंबरिंग कर लें। अच्छा, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन वन टू कम्प्लीट हो जाए एंडिंग लाइन लगा लें। क्वेश्चन थ्री के भी क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन फोर के भी ऐसे। और जब क्वेश्चन कम्प्लीट अटैम्प्ट हो जाए तो अंडरलाइन कर लें। और जब शॉर्ट क्वेश्चन जो है एंड होता है तो आप क्या क्या करें, एक लाइन स्किप कर दिया करें और नेक्स्ट नंबरिंग दे दिया करें। बार बार एंडिंग लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, एंडिंग लाइन जो है वो क्वेश्चन कम्प्लीट होने के बाद लगाएं। उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें पार्ट टू की हेडिंग दें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से जो सा अटैम्प्ट पहले करें उसका नंबरिंग दें। पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट ए की हेडिंग दें, उसके बाद उसकी मेन हेडिंग दें आप। और जिस तरह का भी क्वेश्चन और उसकी हेडिंग वाइज है उस तरह हेडिंग दें। मेन हेडिंग जो है वो आप 605 मार्कर से दें और सब हेडिंग से 604 मार्कर से। लेंथ वगैरह आप उसका देख लें, इस तरह आप हेडिंग इस तरह भी दे सकते हैं। अगर हेडिंग लेंथी है आप उसके वर्ड का कैपिटल लेटर जो है उसको जरा प्रोमिनेंट कर लें, बोल्ड कर लें, बाकी जो है वो सिंपल रहने दें। अंडरलाइन करनी है तो कर लें, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। इसके बाद डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये जो है इन दोनों में जो सेम चीजें हैं उनको शो कर रहा है और जो डिफरेंट चीजें हैं वो उनमें शो कर रहा है। डिफरेंस वाला सेम उसी तरह अटेम्प्ट करना है जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें, उसका ए पार्ट और इसी तरह उसकी मेन हेडिंग दें। और उसके बाद इस तरह बी पार्ट उसकी मेन हेडिंग दें। इसके बाद हम देखते हैं इसकी पेयरिंग क्या है। चैप्टर नंबर 1 to 9 चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 में से 1 है, चैप्टर 3 में से भी 1, चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5 में से 1 है, 6 में से 1 है, 7 में से 1 और 8 में से 1 और 9 में से 2। और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह चैप्टर 1 में से 2 हैं, चैप्टर 2 में से भी 2, चैप्टर 3 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर 4 में से 3 आएंगे और चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 3 और चैप्टर 7 में से 2, 8 में से 4 और चैप्टर 9 में से 3। और एक टॉपिक जो है वो डेंगी वाले टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसका चैप्टर 1 में से 1 पार्ट आएगा, चैप्टर 2 में से नहीं आएगा, 3 में से भी नहीं आएगा, 4 में से 1 आएगा, 5 में से भी नहीं आएगा, 6 में से 1 आएगा, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से 1। ये पेयरिंग जो है वो 2017 के पेपर के अकॉर्डिंग है, जिस तरह पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग ये पेयरिंग चल रही है। उसके बाद टाइम टू से पहले हम देख लेते हैं इसका पेपर पैटर्न है क्या। सो क्वेश्चन 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, 12 एमसीक्यूज होंगे, टोटल मार्क्स इस पेपर के 16 हैं, 48 सब्जेक्टिव टाइप के, 12 जो है वो एमसीक्यूज के हैं। और सब्जेक्टिव टाइप के लिए टाइमिंग है 1 hour and 45 minutes। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है सब्जेक्टिव टाइप का, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है,
पार्ट वन में क्वेश्चन 2, 3, 4 है, इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं, यानी 10, 10, 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह पार्ट टू में है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ए बी, और एक पार्ट की नंबरिंग जो है वो 4 मार्क्स की है और बी पार्ट जो है वो 5 मार्क्स है, यानी हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट वो 9 मार्क्स का, यानी इसके मार्क्स हो गए 9 × 2 = 18। इसके बाद इसमें पेयरिंग में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया है, तो क्वेश्चन 2 में जो चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं वो 1, 2, 3, 5 है, इनके मैंने आपको बता दिए हैं इसमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 में से है 4, 5, 6, 4, 6, 7 और क्वेश्चन 4 में 8, 9 प्लस डेंगी का टॉपिक है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट जो है वो क्वेश्चन 5 का चैप्टर 1 में से होगा, बी पार्ट चैप्टर 4 में से, चैप्टर 6 में से 6 का ए पार्ट और बी पार्ट 7 में से, 7 क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट 8 चैप्टर में से और बी पार्ट 9 चैप्टर में से। उसके बाद टाइमिंग भी देखते हैं, क्योंकि ये मार्क्स 10-10 के हैं और यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2-2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे 15 मिनट्स में क्वेश्चन 2, 3, 4 को 15 मिनट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि 1 hour and 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रख लें और 1 hour जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रख लें। अब 15 मिनट्स में इजीली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें कुछ जो है थोड़ी सी लेंथ में चले जाते हैं और कुछ के जैसे उन्होंने नाम पूछे होते हैं कि कोई से 2 नाम बताएं कोई, तो उनमें टाइम कम लगता है, कोई डेफिनेशन वगैरह उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अगर आप 15 मिनट्स में देखें तो क्वेश्चन 2 इजीली कंप्लीट हो जाता है, यानी इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन 3 जो है वो भी 15 मिनट्स में, आप क्वेश्चन 4 भी 15 मिनट्स में, अगर आप थोड़ा सा और भी टाइम अगर इसमें लगा लें यानी कि आप 50 मिनट्स भी टोटल कर लें तो इजीली आपका कवर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस। और इनकी लाइन जो देख लें अगर आप 4 to 5 लाइंस रख लें वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा हुआ है, जैसे मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखाए थे, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है इसमें 3 मिनट्स लग जाएंगे, 4 मिनट्स लग जाएंगे, डिफरेंस वाले में 3 to 4 मिनट्स, और कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें जस्ट उन्होंने पूछा होता है कि आपने जस्ट नाम बताने हैं, तो इस तरह इनमें 1-2 मिनट ही लगता है इस तरह, तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो इजिली मैनेज हो जाते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है 5, 6, 7 को इसे 2 अटेम्प्ट करने हैं, इनके मार्क्स हैं 4 और 5, तो आप इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखें, आप बुक में तो काफी लेंथी डिटेल में होता है, आपने इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखनी है ताकि आपका पेपर विद इन टाइम भी कंप्लीट हो और लेंथ भी इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। तो आप जो है 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हमने 10 मिनट में कंप्लीट कर ले और 5 मार्क्स वाला उसे 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करें, ज्यादा डिटेल में ना जाएं और हर चीज डिस्कस करें पर ज्यादा लेंथी ना या डिटेल में ना लेके जाएं ताकि आपका विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए पेपर। इस तरह क्वेश्चन 6 का भी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, इस तरह ये क्वेश्चन था कि आपने जस्ट जो है 2 प्रोफेशंस को जो है डिटेल में डिस्कस करना है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपने 2 प्रोफेशंस के नाम लिखे, उसके बाद उनकी जो है डिटेल लिख दी, उनकी डेफिनेशन लिख दी, तो 4 मार्क्स के लिए इतनी लेंथ काफी है। इस तरह डिफरेंस था कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कोई से 5 डिफरेंस बताने हैं, तो जस्ट आपने 5 ही बताने हैं जितने पूछे और मार्क्स भी इसके 5 हैं, यानी हर डिफरेंस का आपको 1 नंबर मिलेगा, उसके लिए भी इतनी लेंथ ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग और मार्क्स के मुताबिक चलेंगे तो आपकी लेंथ भी सही रहेगी और पेपर भी आपका विद इन टाइम कम्प्लीट होगा। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और जिस टॉपिक पे और जिस सब्जेक्ट पे जिस क्लास के आपको पेपर प्रेजेंटेशन पेपर पैटर्न चाहिए तो टाइमिंग डिवीजन के साथ तो जरूर मेंशन करें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।